बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता, द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हरे। विघ्न हरता है बप्पा विघ्न हरता, लग तेरा है माथे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हरे। ऐसे में एक दिन महाराज दशरथ गुरुदेव और सुमंत जी के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे कि यह जीवन बीतता जा रहा है, आयु का चौथापन आ चुका है, क्यों ना अब राम जी को युवराज पद दे दिया जाए और राज्य की चिंता से मुक्त हो जाए। हे गुरुदेव, मेरा चौथापन आ गया, अतः मैं राज्य के कार्यों से निवृत्त होना चाहता हूं। मेरे विचार से राम मेरे राम युवराज पद के लिए योग्य और समस्त प्रजा भी रामचंद्र पर अपार श्रद्धा रखती है। यदि आपकी आज्ञा हो, ये शुद्ध
ये शुभ कार्य संपन्न किया जाए। अवश्य राजन, अवश्य। ऐसे शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। श्री राम हर प्रकार से राजा बनने योग्य हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न किया जाए और श्री राम को राज सिंहासन पर विराजमान। धन्य है गुरुदेव, आपने मेरे मन की बात कह दी। महात्मा सुमंत, आप समस्त प्रजा को ये समाचार सुना दीजिए, पूरी अयोध्या में मुनादी करवा दीजिए, घर घर दीप जलाए जाए, मंगल गान गाए जाए। जैसी महाराज की आज्ञा। श्री राम राजा बने, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। जाइए सुमंत जी, प्रजा में मुनादी करवा दीजिए। हे गुरुदेव, आप भी इस शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान की पूजा के लिए आयोजन की अनुमति दें। अवश्य राजन, अवश्य। मुझे प्रतीत होता है कि श्री राम का राज्य अभिषेक के लिए हर दिन शुभ है, हर दिन शुभ है। अच्छा गुरुदेव, मैं सभी कार्य संपूर्ण करता हूं। अवश्य राजन, फिर आपके दर्शन करूंगा। अच्छा राजन, मैं ये शुभ समाचार अपनी प्रिय रानियों को भी जाकर सुनाता हूं। अवश्य राजन, शीघ्र जाइए। आज्ञा दें। सुनो 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 सुनो, महाराजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को युवराज घोषित किया है। राजा राम
समझ में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम समझ में होंगे राजा राम, होंगे राजा राम कल होंगे राजा राम समझ में होंगे राजा राम, होंगे राजा काकी हा? तुम्हें नहीं पता? नहीं, कल हमारे युवराज को राज तिलक होने वाला है। अरे काकी, भरत लाल को नहीं, अरे राम का राज तिलक होने जा रहा है। राम का को नहीं, राम को, राम को, राम को, राम को, राम को, हाँ काकी, राम को, राम को, राम को राज तिलक होने जा रहा। मैं भी देखती हूँ राम को राज तिलक कैसे होता है। राम को भरत की जगह राम को राज तिलक, राम को राज तिलक, ये क्या हो गया? अयोध्या की गद्दी पर तो मेरे भरत लाल को बैठना था, भरत की जगह राम को राज तिलक कैसे हो गया? मैं भी देखती हूँ
राम को राज तिलक कैसे होता है? कैकई को मैं मंत्र पढ़ाऊं, राजयोग सब भंग कराऊं, भरत को मैं राज्य दिलाऊं, षड्यंत्र में ऐसा रचाऊं, मेरा नाम है मंथरा। उड़ती चिड़िया के पर मैं काटूं, बहते पानी में आग लगा दूं, कौन हूं मैं? मंथरा। मंथरा। राज तिलक भरत की जगह राम को राज तिलक रानी को बताना, रानी को बता। सज रही है सत्यानाश, उसका सजने संवरने से फुर्सती नहीं। अरे मंथरा, तुझे क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलने वाली है, आज तूने अपनी गाल क्यों फुला रखे हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे लक्ष्मण ने तुझे कोई सीख दी है। ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रही है मानो काली नागिन फुफकार रही हो। क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? अरे हम सब ने शीश गुथाए हैं और तूने बाल बिखेरे हैं। ये जो रो रही शगुन सायद, ये क्या लक्षण तेरे हैं? अरे मंथरा, अच्छा चल, तुझे सौगंध मेरी, बता क्यों तुझे उदासी है? है रानी जी, है मुझे काहे की उदासी? हर मुझसे कोई क्या कहेगा? पर मैं पूछती हूं कि आज रामचंद्र को छोड़कर किसकी भलाई है, किसकी भलाई है? मंत्रा, कल होगा जिसका राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं जो ये नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। मंत्रा, खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। किस घोर नींद में हो रानी, अब लोक चाल निज राजा की। है वो ही राजा वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदान राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। काने खोरे कुबड़े को कुटिल और कुचाली ही जाना चाहिए।
उसमें भी स्त्री, खासकर दासी को। चल निकल यहां से घर फोड़ी। किसने तेरी मती मारी है? जो साफ रुई की ढेरी पर बनकर आई चिंगारी है, अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस दिन, तुझको मुंह मांगा धन दूंगी। अरे मंत्र, जो भी कुछ कहा तेरे भले के लिए ही कहा है। मुझको तो स्वप्न में भी तुझ पर क्रोध नहीं आ सकता। और हां, सत्य कहती हूं तुझे, मंगलमय शुभ दिन वही होगा जिस दिन मेरे राम को राष्ट्र तिलक होगा, अर्थात तेरा कहना सत्य होगा। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल होगा मेरे राम को राज तिलक, दासी उपहार में हार ये ले। हार? ये हार है? ये हार तुम्ही का शोभा दे। ए दासी ना भोगी मार किए, हे है जीत राम की रानी जी, और हार तो मेरे भरत लाल की है। ओ दुष्ट मौन हो जा। राजपाट की बातों में बोली वाली तू कौन होती है? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वो दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा तो राम भरत सा प्यारा है। भरत गोदी का दुलारा तो राम नयन का तारा है। हरी मंत्रा तुझे भरत की सौगंध, इस प्रपंच को छोड़ और सच्ची बात कह, इस हर्ष के समय तू विश्वास क्यों कर रही है? अरे रानी जी, मेरी सारी आशाएं तो एक ही बार के कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जिह्वा लगा कर ही कहूंगी। अरे मेरा ये अभागा कपाल तो फोड़ने योग्य ही है, जो जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। पर मैं क्या करूं, मुझसे आपका हित जो नहीं देखा जाता, तो मैंने कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। मुझे क्या ऐसी गरज पड़ी जो अपना मुंह नचवाऊंगी? दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो कर्तव्य पूरा किया, अब तक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनवासों में। दासी दासी दासी। मंत्र, क्या ये कौशल्या की चालाकी है? मुझे सच बता,
क्या ये कौशल्या की चालाकी है? हे रानी जी, हे मेरी भोली रानी, अपने भले बुरे की पहचान तो पशु और पक्षी भी रखते हैं। 14 दिन हो गए आज अयोध्या को सजते हुए, और तुम्हें इसकी खबर हो रही है आज, और वो भी मुझ दासी से। है रानी जी, मैं आपका नमक खाती हूँ, आपके राज्य में रहती हूँ। यदि झूठ कहो तो विधाता मुझको दंड दे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बोए जाएंगे। तो सत्य कहती है मंत्रा, क्योंकि आजकल मेरी दाई आंख फड़कती रहती है और मुझे रात में बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं। तो सत्य कहती है तेरी मति की बलिहारी है, हे अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधे ने ये जाना था क्या राम भरत की जोड़ी है। ए दासी, मैं तुझ पर वारी जाऊं क्या दीवार कपट की तोड़ी है। मंथरा, अब तू ही कोई उपाय बता, तू ही बता मैं क्या करूं, कुछ उपाय सुझा। रानी जी, जब से मैंने राम के राज तिलक की बात सुनी है मुझे चैन नहीं पड़ता। उपाय? अच्छा सुनो, मैं एक उपाय बताती हूँ। आपको याद है कि आप मुझे एक कथा सुनाया करती थी? कथा? कौन सी कथा? अरे यही कि आपके महाराज पर 2 वरदान धरोहर है। मेरे वरदान? हाँ। कौन से वरदान? हाँ? भूल गई? अरे जब तुमने रण में महाराज के प्राण बचाए थे तो बदले में महाराज से 2 वरदान धरोहर पाए थे। वही 2 वरदान। पर मैं क्या मांगू उन वरदान में? हे रानी, पहले वर में भरत को राज तिलक। मेरे भरत को राज तिलक? वो राजा बनेगा मेरा भरत? और दूसरे वर में क्या मांगू? कौशल्या सातन से बदला भी तो लेना है। दूसरे वर में मांगो रानी राम को 14 वर्षों का वनवास। 14 वर्षों का वनवास? पर जब राजा राम की सौगंध खा ले तभी वर मांगना, और मांगना भी आज ही रात को। अगर आज की रात निकल गई तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। समझ गई ना? अब मैं समझी क्या मजाल अब राजा की अधिकार भरत का चूर करे।
पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू इसको मंजूर करे, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है, वन को है 14 वर्ष, बहुत 2-4 वर्ष ही काफी है। अरे रानी जी, जब आए नाम किनारे पर तो जल्दी फिर तूफानों में, अरे क्यों आप कुल्हाड़ी मार रही हो खुद अपने ही पांवों में, हे समझा समझा कर मैं हारी, तुम फिर भी बहकी जाती हो, तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या सातन से। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, होशियारी से रहना, और हाँ, वर तभी मांगना जब राजा राम की सौगंध खा ले, और मांगना भी आज ही। भरत को राज तिलक। जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, मेरे सामने बताओ, निकल जाओ। मैं दासी नहीं बनूंगी, मैं दासी नहीं बनूंगी, मैं महारानी हूं, रानी के कई हूं मैं, वो भी महाराज की सर्वप्रिय रानी, मैं दासी नहीं बनूंगी, कतई नहीं। कई, कहां हो तुम, और ये महल में इतना अंधेरा क्यों है? कह कई, देखो हम आए हैं। अरे ये कौन सिसक रहा? कह कई, ये क्या तुम हो, ये क्या तुम हो, क्या हुआ चंद्रवदनी, मृगनयनी, बोलो तो क्यों रूठी हो,
क्या किसी ने तुम्हें कटु वचन कहे हैं? कौन है वो जो अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना चाहता है? हे प्राण प्रिय, हुआ क्या है? बोलो तो, ये रंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से इस मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? मोती क्यों बिखरे? मन बार बार क्यों मच रहा है? बढ़ गई मांग उलझन में, इस काकुल का क्यों रंग बदला? उठो उठो और 16 श्रृंगार कर, क्यों धूल धूषित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है? मांगो रानी, मांगो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बोलो, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूं? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष बनाने आए हो? इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा अच्छा, जो मांग शीश पर है तो देखिए ये मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बनवा देती है। अच्छा, ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? सौगंध तुम्हें है रानी, बोलो क्यों क्यों रोती हो? अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र, धर्म है पुरुषों का जो प्रण पर अपने मरते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो कहते हैं सो करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज? तुम पर है दो वरदान प्रभु, वो ही मेरा धन मुझको दो यदि बनते हो धनवान प्रभु। मैं जानता हूं प्रिय, तुम्हें मांग करना और मांगना अत्यंत प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रख दिया और फिर हमसे कभी मांगा ही नहीं। और तुम तो जानती हो हमारा भूल जाने का स्वभाव है, व्यर्थ में हमें दोष न दो।
चाहे दो वर के बदले तुम चार मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज व्यर्थ है ये नकली जोश, हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, उपहास नहीं। रानी, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अभियान को मत बहलाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। रानी, तो क्या हमें अपने प्रेम का प्रमाण देने के लिए राम की सौगंध खानी होगी? तो ठीक है, लो सुनो, तजे आकाश तारागण, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी, हिमालय का बजे रण गजगज, कहे मोती जो पत्थर को, अनल हो चांद से पैदा, बहे गंगा भी उत्तर को। एक बार जो कहा है मैंने वही अंतिम वचन होगा, सौगंध है राम की दशरथ, नहीं मिथ्या वचन हो। मुझे विश्वास हो गया है, अब मैं जो भी मांगूंगी मुझे वो मिल जाएगा। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूं कौशल्या नंदन के बदले, निज सुत को राज्य चाहती हूं। रानी, वर जो कि दूसरा है मेरा, लो सुन लो, कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। युवराज राम जो होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो। क्या कह रही हो कैकेयी? कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। कैकेयी,
कई ये तुमने क्या मांग लिया? कह दो ये झूठ है, अपने अपने शब्द वापस ले लो कई। हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फल फूल चुका था, परंतु कैकेयी ने हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंक दी। क्यों महाराज, क्या भरतलाल आपके पुत्र नहीं? क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे जो मेरे ये वचन आपको तीर के समान चुभे? प्रिय, तुम ऐसे वचन ऐसे शब्द क्यों कहती है? मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं राम और भरत दोनों में कोई भेद नहीं करता, दोनों मेरी इन आंखों के तारे हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि प्रातःकाल ही दूत को भेजकर भरत को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त देख भरत को ये सारा राज्य दे दूंगा। मुझे राम को राज्य देने का कोई लोभ नहीं, तुम ये बात जानती हो। मैं तो केवल छोटा बड़ा विचार कर राजनीति का पालन कर रहा था। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है। हाय मुझे एक से राम भरत ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तुमने वो नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज मेरे भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे और वो भी 14 वर्षों का, इसमें तूने क्या सोचा है? मैं समझ ना पाया इन भेदों को। रानी ले राज्य भरत को ही, पर और क्रूर व्यवसाय ना कर। है राम गौ सा दया पात, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पांव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर वे दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे बस राम मेरा। रानी मेरे राम को मुझसे दूर ना कर, रानी मेरे राम को मुझसे दूर ना कर। महाराज दो वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती,
पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूं। बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, बस वही उपाय बताती हूं। अवधेश, बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। रानी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, महीवर से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की इस चादर में काली मां नहीं आने देंगे। सुनती है? प्राण दे देंगे, अपने प्राण दे देंगे, पर वचन वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है? वरदान ना दें तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम वन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। हे धर्म धुरंधर दशरथ, अब पुत्र से तू प्यार ना कर। ए मोह, दूर हो जा दिल से, मेरी आंखों को बेजार ना कर। महाराज, सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में। रानी, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पे एक कबूतर की निज मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए ऋषि दधीचि। नहीं रानी, नहीं। जो सर्वस्व दान कर देते हैं। नहीं, नहीं। जब आकर इंद्र मांगता है तो हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे राजा हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे महाराजा शिवी की तरह तुम्हारा मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपनी धाती, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी,